वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मीठी डिश, झटपट मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन। मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन? वैसे मैं अपने इससे पहले गुलाब जामुन बनाए थे, कुछ याद है? बड़े बनाए थे गुलाब जामुन? मैंने बनाया था भाई गुलाब जामुन। मेरे 50,000 जब हुए थे तब लोगों की डिमांड आई थी कि यार भाई तुम कुछ बनाओ, तो मैंने बनाया था गुलाब जामुन। वो गुलाब जामुन ना सच में बोल रही, मैं सब जाके देखना। और लेकिन अम्मी खाने में भी मजा आया था कि नहीं? खाने में तो ऐसे बड़े बड़े वड़े थे, वड़े गुलाब जामुन बनाए थे रियाज भाई ने। तो तुम आज इतने बड़े मत बनाना। नहीं, आज मैं मिनी गुलाब जामुन बनाऊंगी भाई इंशाल्लाह। वो गुलाब जामुन अपने प्रीमिक्स पाउडर से बनाए थे ना, वो थोड़ा इजी वे था लेकिन पैकेट वाला था। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं दूध के पाउडर के गुलाब जामुन, है ना? तो चलो, गुलाब जामुन है ना बहुत तरीके के बनते हैं, जिसमें से मैं आज एक तरीके से बना रहा हूं। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि हम गुलाब जामुन बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लेंगे मिल्क पाउडर, शक्कर, मैदे का आटा, एक नींबू, घी, दूध, बेकिंग पाउडर, हरी इलायची, बेकिंग सोडा। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाशनी चढ़ा देंगे गैस पे। तो मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली हूँ चाशनी के लिए, और यहाँ पर मैंने 2 वाटी भर के शक्कर ले ली हूँ। ठीक है, ये 150 ग्राम शक्कर है एक वाटी में, तो ये हो गई 300 ग्राम। तो अब मैं 2 वाटी शक्कर ली हूँ, तो 1 वाटी पानी लूँगी। और थोड़ा सा और डालूँगी, बस। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे, ज़्यादा फास्ट पे नहीं रखेंगे, मीडियम पे ही रखेंगे, ये अपने आप पकते रहेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे हरी इलायची। तो ये इलायची मैंने ली हूँ ऐसी अक्खी, और मैं अक्खी ही डालूँगी क्योंकि इसके दाने मुँह में आएंगे तो मेरे बच्चों को नहीं पसंद। ठीक है, अब हम इसमें ना डालेंगे नींबू का रस 1 चम्मच भर के। अच्छा, ये नींबू चाशनी में क्यों डालते हैं? खाजा खाए होते ना आपने, खाजा के ऊपर जैसे शक्कर जम जाती है, देखो कड़क कड़क, उसी तरह ये शक्कर है ना साइड में लग लग के कड़क जम जाती है, जिससे हमारे गुलाब जामुन के अंदर चाशनी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब नहीं होती है। इसके लिए हम नींबू का रस डालते हैं ताकि हमारी चाशनी पतली पतली ही रहे, उसमें शक्कर ना जमे, इसलिए। ठीक है, और चाशनी हमें एकदम एक तार की दो तार की बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सिर्फ चिपचिपी सी चाहिए, जो शहद चिपकता है ना हाथ में हल्का सा या तेल के तरह, बस उतना ही। तो देख रहे हैं आप लोग, चाशनी मेरी रेडी हो गई है। मैंने इसको 4 से 5 मिनट तक बॉईल कर ली हूँ, और ये सही में एकदम चिपचिपी हो गई है, हाथ को लगते साथ हाथ चिपक रहा है एक दूसरे से। ठीक है, ये जल्दी इसलिए बन गई है क्योंकि हमने 2 वाटी शक्कर और 1 वाटी पानी लिए, इसलिए ये चाशनी जल्दी तैयार होगी। अब क्या करेंगे, हम गैस करेंगे बंद और हमारी चाशनी को ढक के रख देंगे। तो चलो, अब क्या करेंगे, गुलाब जामुन बनाने के लिए तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने ली हूँ 1.5 वाटी मिल्क पाउडर, और 1/2 वाटी ली हूँ मैंने मैदे का आटा। ठीक है, अब मैं इसको ले लूँगी एक बाउल में। मैं मेरे वाटी के हिसाब से मेजरमेंट आप लोग को बता रही हूँ, आप अपने कोई बर्तन के हिसाब से देख लेना। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये घी। ये घी है मेरा चावल का चम्मच, जो मैं बताती हूँ ना आप लोगों को, वही 4 चम्मच ली हूँ। तो ये 4 चम्मच से मैंने घी ली हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बता दी घी और मिल्क पाउडर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इसमें ये 1/2 कप दूध ली हूँ मैंने, लेकिन ये 1/2 कप डायरेक्ट पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। घी को भी अच्छे से मिला लेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, 2 से 3 चम्मच ही मैंने दूध डाली थी, तो ये अच्छे से मैश हो गया है। अब हम बचे हुआ दूध डालेंगे। मैं इसलिए पूरा एक साथ नहीं डाल रही थी क्योंकि पूरे गुटले जम जाते थे। अब हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, और उसके बाद हम ले लेंगे ये मैदा। ये मैदे के अंदर मैं डालूंगी
ये आधे चम्मच से भी कम है बेकिंग पाउडर, ठीक है, ये मैं डाल दूंगी इसमें। और यहाँ पे डालूंगी मैं एक पिंच सोडा लीमू, देख रहे आप लोग, बहुत ही कम बोले तो बहुत ही कम, ठीक है। अब हम इसको मिला लेंगे। तो देखो ये आधे कप में मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों मिला ली हूँ, अब हम ये डाल देंगे इसमें, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो हमारा कड़क नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट ही रहना चाहिए। ये मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन है इसलिए इसका डो है ना नरम ही होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम डाल देंगे ये इसमें जो दूध बचा हुआ है हमारा। तो देख रहे हैं आप लोग दूध इसमें अच्छे से मिल गया, एकदम सॉफ्ट हो गया डो मेरा, एकदम मस्त मुलायम, देखो है ना। अब क्या करेंगे इसको एक दो मिनट के लिए ऐसी ही छोड़ देंगे। तो देख रहे हैं आप लोग दो से तीन मिनट हो गया है। अब हम क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में, मस्त रेडी हो गया है ना। इसको ज़्यादा मतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जैसा हम पनीर वाले गुलाब जामुन बनाते हैं, खोए वाले गुलाब जामुन जो रेडीमेड लाके बनाते हैं उसको बहुत मसलना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है, ये झटपट कलाओ और झटपट बनाओ, ठीक है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग मैंने यहाँ पे सब पीस तोड़ के रखी हूँ ताकि हमारे बॉल अच्छे से बन जाए एक ही जैसे, ठीक है। तो मैं इसको आपको एक बॉल बना के दिखाती हूँ, ये बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही नरम रहता है, मुलायम रहता है, क्योंकि ये मिल्क पाउडर से बना रहे ना हम, तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। पनीर के इसमें हमको बहुत मैश करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, इसमें जोर बिल्कुल भी मत लगाना, ठीक है। और हाँ, ये जो मैं मिल्क पाउडर से बना रही हूँ ये नीडो का मिल्क पाउडर है। आप लोग कहीं वो कौन सा आता है रियाज, कौन सा मिल्क पाउडर आता है? एवरीडे। हाँ एवरीडे, ये तो चाय वगैरह में डालने वाला दूध रहता है, उससे बिल्कुल मत बनाना, ठीक है, दूसरी कंपनी का बना लेंगे चलेगा। अपना कौन सा वाला है? ये तो मेरा नीडो कंपनी का है, देखो इसमें एक भी क्रैक नहीं आएगा, एकदम मुलायम रहता है और बहुत ही जल्द बनता है ये। तो मैं अभी इसको रख दूंगी यहाँ, अगर आपसे हाथ में नहीं बने ना तो आप यहाँ पे भी लादी पे भी ऐसा गोल 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 घुमाएंगे ना मस्त बन जाएगा, मैं आपको ये बना के बताती हूँ। प्लेट पे बताओ, प्लेट पे, प्लेट पे बताओ, इस तरीके से आप, आपके पास में चॉपिंग बोर्ड होगा, वो आपका पटला होगा रोटी बेलने का, या फिर कांच की प्लेट होंगी, बहुत आराम से बन जाएगा। और देखते रहना अगर जब तक क्रैक आ रहा है तब तक इसको छोड़ना नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको एक भी क्रैक नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे। इस तरीके से, ठीक है। तो देख रहे आप लोग मैंने ऐसे चॉपिंग बोर्ड पे मस्त सब तैयार कर लिया है, ये मेरे गुलाब जामुन के बॉल रेडी हो गए हैं। और यहाँ पर मेरा तेल भी शायद गरम हो चुका है, जितना गरम मुझे चाहिए, और गैस मैं स्लो ही रखूँगी और धीरे धीरे करके अब इसमें मैं मेरे गुलाब जामुन छोड़ूंगी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा तेल हिला लेती हूँ इस तरीके से, ऐसे जमे हुए तेल में नहीं डालना, ऐसा जब तेल राउंड राउंड करते रहेगा ना तो हमारे बॉल डालते साथ ही वो चिपकेंगे नहीं नीचे, ठीक है, तो हमें भी हिलाने में आसानी हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाह करके हमारे एक एक बॉल, क्योंकि हमारा तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, हमें जितना गर्म चाहिए था उतना है। तो मैं सब एक साथ नहीं डालूँगी, मैं पहले आधे डालूँगी, आधे तल के फिर निकालूंगी, फिर आधे डालूंगी, ठीक है। अब हमको इसको चम्मच से बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ये करें हम इस तरीके से, ठीक है, बस इसी तरीके से मुझे घुमाना है रुक रुक के थोड़ा थोड़ा। और गैस का फ्लेम मेरा है स्लो,
और ये पूरा टाइम लेता है 10 से 12 मिनट, जिस तरह हमने कचौरी फ्राई करे थे ना, बस उसी तरीके से धीमी धीमी आंच पे। ठीक है, देखो इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है ना, तो देख रहे आप लोग कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब मैंने चम्मच से हिलाना चालू किया, अगर जिसको टूटने का डर रहा तो ये मेरा आइडिया ही करना, लेकिन ये जिसको हैबिट रहेगी वही करना, नए बच्चे बिल्कुल नहीं करना, तेल गिरा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी हिलाएंगे तो भी चलेगा, नहीं तो इस तरीके से कोर से हिलाइए आप। आप तेल को इस तरह से ढक के लिए आपके गुलाब जामुन खुद ब खुद आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो देख रहे आप लोग पूरे 12 मिनट से मैं हाथ हिलाए जा रही हूँ एक जैसा, ताकि चारों तरफ कलर एक जैसा आए। ठीक है, अब जिसको ये मोमेंट पे उतारना है गुलाब जामुन उतार सकता है, जिसको काला गुलाब जामुन बनाना है वो हिलाते ही रहे और 10 मिनट तक आपके काले जामुन भी तैयार हो जाएंगे। काले जामुन? हाँ, काले गुलाब जामुन आते हैं ना अलग से सूखे वाले, हाँ। जैसा जिसपे कोकोनट डाला हुआ रहता है, हलवाई की दुकानों में लगे रहते हैं काले गुलाब जामुन, वो भी आते हैं। तो इससे ज्यादा अगर डबल आप पकाओगे तो वो काले जामुन भी आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमको बस इतने ही गुलाब जामुन का कलर चाहिए, तो मैं इसको यहीं पे निकाल ले रही हूँ। ठीक है, देख रहे आप लोग फूल गए मेरे गुलाब जामुन, एक भी फूटा नहीं है, कुछ नहीं। अब यहाँ मैं इसको निकाल के डायरेक्ट ही मैं चाशनी में डाल दूंगी, और चाशनी मैंने हल्की सी वापस से गर्म कर ली थी, मेरी चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई थी ना इसके लिए। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से हिला लेंगे और इसको छोड़ देंगे ढक के। ठीक है, तो चलो हमने बाकी गुलाब जामुन भी अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको भी डाल देंगे चाशनी में। अब इसको मैं एक घंटा पूरा ढक के रखूंगी, ऐसा तो एक घंटे में इतने जल्दी खाने लायक होते नहीं है गुलाब जामुन, कम से कम 2 घंटा 3 घंटा, मैं तो पूरी रात बना के रखती हूँ, दूसरे दिन ही देती हूँ बच्चों को खाने। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं एक घंटे के बाद मिलती हूँ आपसे। ठीक है, तो चलो एक घंटा हो गया है मेरे को रख के चाशनी में, अब हम देखते हैं गुलाब जामुन को हमारे, ऐसा तो पूरा 6-6 घंटा 4-4 घंटा रखना पड़ता है। माशाल्लाह पी तो लिए है अच्छे से, फिर भी हम इसको थोड़ा सा और डालेंगे चाशनी मस्त, इसको आराम से देखते हैं काट के। देख रहे आप लोग मस्त चाशनी अच्छी से पी लिए है मेरा गुलाब जामुन, लेकिन अभी ये 2 से 3 घंटा और रखूंगी मैं, तब कितना मजा आएगा खाने में, बहुत टेस्टी लगेंगे, एक घंटे में मेरे गुलाब जामुन इतने अच्छे तैयार हो गए। तो दोस्तों तैयार हो गए अपने गुलाब जामुन, मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन, मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन, वो भी एकदम परफेक्ट कलर परफेक्ट शेप, बस टेस्ट देखना है, वो भी यार परफेक्ट ही होगा। ये देखो मैं जब बनाया था ना ऐसे बड़े बड़े बने थे, क्या मतलब इंसान 3 खाने वाला एक में काम। तो चलो खाएगा, हम लोग ने ना प्लेट में निकाले, कोई बॉल जैसे चाशनी में, जैसे को अम्मी ना मेरे लिए निकाल रहे हैं। तो पहले जो टूटा हुआ हिस्सा है ना जो हमने तोड़े थे, पहले तो मैं वही खिलाऊंगा अम्मी को। मीठा तो यार बोले ना अपनी जान है खाने का मीठा। अब मैं बताता हूँ कौन कौन ऐसा अखा गुलाब जामुन खाता है, मुझे बताना है। देखो हम लोग ना फूड रेस पे ना चैलेंज किए थे गुलाब जामुन, मरी जाता ना मैं, दोनों मां बेटे खा खा के पागल हो गए थे। हाँ बहुत वो लाइफ बोलते ना लाइफ का, खाली वो एक ही दिन था जिस दिन मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं आया। इतना सारा गुलाब जामुन खाने बोलेगा किसको पसंद आएंगे, लिमिट होती है यार 2 से 3। उस दिन कितना मैं 12-15 खा लिया ना बोले फूड रेस जब करते थे, तब 2-2 डजन लेके बैठे थे। क्योंकि मैंने सर में बहुत ही मस्त बनाया है, जैसा कि मैंने बोला कलर और शेप तो एक नंबर परफेक्ट है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमने सिर्फ एक घंटा रखा, उसको कम से कम 2 से 3 घंटा रखे तो मजा डबल हो जाएगा ना। 2 से 3 घंटा क्या, मैं इन लोगों को देती नहीं खाने, मैं रात को बनाती हूँ और चाशनी में डुबो के छुपा देती, मैं लोगों को दिखाती भी नहीं। पता क्यों नहीं बताया, दूसरे दिन ये बताएंगे ना कि है वही खत्म हो जाएगा। और ये इसका मजा ना नेक्स्ट डे ही आता है खाने का, क्योंकि ये पूरे मुलायम हो जाते हैं, अच्छे से चाशनी सोख लेते हैं। ये 1-2 घंटे में तो देखो इतना हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से तो और होना चाहिए, बहुत मस्त है। लेकिन टेस्ट के लिए बोलूंगी एक नंबर,
और एक बात बता दूं आप लोगों की, मैंने इसमें कोई खुशबू वगैरह डाली नहीं, खाली चाशनी में देखे आप इलायची डाली। आपको चाहिए जाफरान डालो, वो क्या बोलते हैं अपना रोज वाटर डालते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते वो सब, डालूंगी ना मैं तो लोगों को नहीं पसंद आता, तो इसके लिए मैंने नहीं डाली। आपको अगर पसंद है तो आप लोग डाल सकते हैं। और हाँ, मेरे जो तीन चार गुलाब जामुन लास्ट के है, तो देखो मेरे से दरार आ गई, दरार। हाँ, मैं बता दूं आप लोगों को क्यों आई है। ये एसी की हवा चालू थी और उसपे ना इन शॉर्ट हमने ना खुला रखे थे। हाँ। अभी इतना सारा एक साथ लड्डू बना लिए, आधा जो हमने पहले फ्राई किया है यानी जो पहले तेल में तले वो बहुत ही अच्छे एकदम परफेक्ट बने, लेकिन जो बाद में साइड में रखे हुए थे ना वो जब हमने डाले ना तो उसमें से दो या तीन थोड़े क्रैक आ गए। तो मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, मैं पहली बार यहाँ एसी में गुलाब जामुन ट्राई कर रही हूँ, तो ये मेरे को एक सबक मिला है नया। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसा खुला मत रखना, ठीक है? तो वो मेरे को बताना था, मैं बता चुकी, ठीक है? तो भाई गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी ही लगी होगी क्योंकि बहुत दिन से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आंटी दूध के पाउडर की गुलाब जामुन बनाओ। ये गुलाब जामुन का क्या है, बहुत ही जल्दी झटपट वाले गुलाब जामुन है, आधा घंटा भिगाओ फिर आधा घंटा मसलो फिर आधा घंटा रखो। वो शाना वो सब मेरे टाइम पे मालिश कराए थे भाई, किया था। हाँ, तो वो तो पाउडर के थे, उसके थे ना पैकेट वाला था। हाँ, रेडीमेड पैकेट था। हाँ। आप अपने को नहीं मालूम, मैं रेडीमेड थोड़ी बनाती घर में, तो मुझे नहीं मालूम था। मैं बोली मसल बैठ के तो ऐसा था, मतलब मैंने बहुत मालिश किया था। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगी दूसरे गुलाब जामुन जो जिस तरह बनते हैं। हाँ। ठीक है, तो भाई हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जो हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दो, किस बात की देरी। हाँ। और जो हमारे चैनल पे नया जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो फटाक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका। ठीक है, चलो अभी चलते। हाँ चलते है, ये जल्दी जल्दी गुलाब जामुन ट्राई करना, जो मिस्टेक मेरे से भी आप नहीं करना। अल्लाह हाफिज़। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़। क्या आपको चाहिए मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। बाय।